क्या है वो क्लस्टर बम जिसके नाम से टेंशन में है पुतिन? क्या भारत के पास भी हैं ऐसे हथियार? अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई करेगा। ये सुनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालत खराब हो गई। वे डरे भी, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी काम ना करे अमेरिका और यूक्रेन, क्योंकि हमारे पास भी क्लस्टर बम का पर्याप्त भंडार है। अमेरिका के इस ऐलान से उसके मित्र देश यानी जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली भी चिंता में आ गए हैं। इन नाटो सदस्यों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर चिंता जताई, विरोध दर्ज किया। इस बम को 100 से ज्यादा देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। आइए जानते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम होते क्या है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। ये बड़े इलाके में एक साथ घातक हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें क्लस्टर म्यूनिशन भी कहा जाता है। छोटे बमों को सबम्यूनिशन और ब्लॉमेट्स कहते हैं। इन बमों को फाइटर जेट, बम वर्षक विमान से छोड़ सकते हैं या फिर मिसाइल में लगाकर कहीं भी दाग सकते हैं। इस बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। इस विमान से गिराकर काफी ज्यादा बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया जाता था। ये जरूरी नहीं है कि क्लस्टर बम से निकला हर छोटा बम फट ही जाए, लेकिन गिरने के कई सालों बाद तक भी ये बम मिट्टी में ही धंसे रहते हैं, जो बाद में इंसानों के संपर्क में आने पर फट पड़ते हैं। नतीजा, लोगों की मौत। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम के 10-40% छोटे बम फटते नहीं है। इसे डेड रेट कहते हैं। कई देशों में ऐसे ना फटे बमों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन्हें लगातार निकाला जा रहा है। बिना फटे बम देखने में खिलौने जैसे लगते हैं, इसलिए अक्सर इनका शिकार छोटे बच्चे ही होते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। जब समूह में छोटे छोटे हथियारों को एक साथ रख दिया जाता है तो वे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा एक हल्के विस्फोट के साथ खुलता है। इसके बाद अंदर के सारे बम बड़े इलाके में फैल कर तबाही मचाते हैं। अब भी दुनिया में 34 देशों के पास 200 अलग अलग प्रकार के क्लस्टर हथियारों के प्रकार मौजूद हैं। आमतौर पर एक क्लस्टर बम के अंदर छोटे छोटे बम ब्लेड्स होते हैं, जिनका वजन 20 किलोग्राम से कम ही होता है। ये बम अलग अलग तरह के वजन के बनाए जाते हैं, यानी जैसे जरूरत वैसा वजन और वैसी ही ताकत। इन बमों की वजह से आम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इन्हें 100 से ज्यादा देशों में बैन किया गया है। अब बात करें कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं या नहीं, तो भारत उन 34 देशों में शामिल है जो क्लस्टर हथियार बनाने की क्षमता रखता है, उन्हें स्टोर करने की क्षमता भी रखता है। भारत के पास M395 क्लस्टर हथियार है। अमेरिका यूक्रेन को 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोलों में ड्यूस पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशन म्यूनिशन DPICM ग्रेनेड्स दे रहा है। ये गोले हवा में हिस्सों में बंट जाते हैं। इनके अंदर से ग्रेनेड्स निकलते हैं जो एक साथ बड़े इलाकों में धमाके करते हैं। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले गोले का नाम है M483। इसके अंदर 88 ग्रेनेड्स आते हैं। इसके अलावा अमेरिका M8464 हथियार भी यूक्रेन को दे रहा है। इसमें 72 ग्रेनेड्स आते हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि यूक्रेन की सेना इनमें से कौन सा गोला इस्तेमाल करेगी। यूक्रेन के क्रामातोस्क में ट्रेन स्टेशन पर अप्रैल 2022 को मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें क्लस्टर हथियार लगा था। इसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।